सर, हमारी मांगे राजस्थान सरकार से सिर्फ इतनी है, राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 जो कि सीएम साहब का चेहरा है वो चला रखा है, हम उसमें कार्यरत सभी कर्मचारी हैं, और राजस्थान सरकार ने 181 जिसको आम जनता 181 के नाम से जानती है, इसको टेंडर प्रथा के रूप में चला रखा है, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा 2023-24 में ये भी बोल दिया टेंडर प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, फिर भी उन्होंने बजट के अंदर एक चीज़ रखी है कि टेंडर प्रथा को खत्म करके और इसको हम चलाएंगे रेक्सिको के अंडर में। रेक्सिको भी एक प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र की, राजस्थान सरकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 250 व्यक्ति काम करते हैं उस राजस्थान संपर्क पोर्टल पर, और ये ही राजस्थान के 250 प्लस जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को हैंडल करता है। जितनी भी आम जनता की शिकायतें आती हैं उन शिकायतों को हम दर्ज करते हैं और डिपार्टमेंट को आगे अग्रेसित करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम जितने भी व्यक्ति हैं, राजस्थान सरकार या तो हमें संविदाकर्मी के रूप में नियुक्ति दे, अगर संविदाकर्मी के रूप में नियुक्ति नहीं दे रही है तो हमें राजस्थान सरकार डायरेक्ट भुगतान करे। और दूसरी बात यह है कि सर, राजस्थान सरकार ने जो टेंडर प्रथा चला रखी है इसके अंतर्गत हम लोगों को भुगतान होता है मात्र 7,774 रुपये। आज के समय 7,774 रुपये के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर जैसी सिटी में खर्चा नहीं चल पाता है। सरकार उनको पे कर रही है 40 से 50 हज़ार रुपये, हमें मिल रहे हैं 7,774 रुपये। तो ये कहाँ तक सही है? राजस्थान सरकार खुद सोचे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इस बात को सोचे कि हम पे क्या कर रहे हैं, कंपनी इनको क्या दे रही है। काफ़ी समय से हमारा शोषण हो रहा है, जो निजी क्षेत्र की कंपनी अपनी मनमर्जी से काम करवा रही है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जितनी भी शिकायतें जाती हैं, जहाँ तक हमारा नज़रिया है, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सीएम साहब को सिर्फ वही शिकायतें देते हैं जो जिन पर कार्रवाई होती है, बाकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। राजस्थान की जनता सीएम साहब को यही उम्मीद लेके कॉल करती है 181 पर कि हमारी समस्या का समाधान होगा, बाकी ऐसा लगता नहीं है हमें कि कुछ होता है हमारे नज़रिए के अंदर, क्योंकि हम 24 घंटे काम करने वाले उसमें हैं। आपका नाम और पोस्ट? सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं भी राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 में पिछले 3 साल से अधिक समय हो गया कार्यरत हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ सीसी के रूप में कर रहा हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में उसमें कार्यरत हूँ, मेरे साथी भी उसी पोस्ट पर कार्यरत हैं। जी, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।